नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में जन सहयोग से बनी स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी हमारे अध्यापक और शिक्षकों ने इस जिले के स्कूलों की सूरत बदलने का अभियान प्रारंभ किया। अभी जो महंगाई भत्ता उनको मिलता है उसमें आपके काम से प्रेरित होकर 4% बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ। उल्लेखनीय है कि सीहोर जिले में शिक्षकों ने अपने वेतन एवं जन सहयोग से 4 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई और इससे 1552 स्कूलों में 1630 स्मार्ट टीवी दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आज एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में हर जिले में टॉप करने पर 10 विद्यार्थियों को 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और उससे सबसे बड़ा अच्छा रिजल्ट लाने वाले जिले के 10 स्कूलों को 5,500,000 रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा। उत्तरी हवा चलने से सिरहन बरकार, रीवा सतना में गिरा मापटा। आपको बता दें अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम पिलाड़ियों के असर से हवाओं के साथ नमी आने लगी है। इसके चलते बादल छाने लगे हैं। इससे जहां तापमान बढ़ने लगा है वहीं मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में वर्षा भी होने लगी है। नमी के कारण उत्तर मध्य प्रदेश में कोहरा एवं धुंध भी छाने लगी है। इससे दृश्यता भी प्रभावित हो रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान शनिवार सुबह 8:30 बजे तक रीवा के सिरमौर में 4.2, सिमरिया में 4, मनगवा में 3, महूबगंज में 0.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रफ के रूप में बना हुआ है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान उससे लगे जम्मू कश्मीर पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इसके असर से राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बना है। उधर उड़ीसा पर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इन मौसम पिलाड़ियों के असर से हवाओं के साथ नमी आने से मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा संभाग के जिलों में बादल छाने लगे हैं। साथ ही हल्की वर्षा भी हो रही है। शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहने की संभावना है। उधर हवा के रुख उत्तरी बने रहने से रात के समय सिरन भरी रहने के असर हैं। एमपी पटवारी भर्ती के चलते फॉरेस्ट गार्ड, जेल फेरी और क्षेत्र रक्षक वैकेंसी की आवेदन प्रक्रिया टली। आपको बता दें एमपी फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को टाल दिया गया है। अब ये 25 जनवरी 2023 से शुरू होगी, जबकि पहले इसे 20 जनवरी से शुरू होना था। बताया जा रहा है कि वर्तमान में चल रही एमपी पटवारी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया के चलते ये फैसला लिया गया है। सर्वर पर हैवी लोड के चलते एमपी पटवारी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत आई थी। आवेदन की वेबसाइटें सुचारू ढंग से चलते रहे इसके चलते ये निर्णय लिया गया है। अगर फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक और जेल फेरी भर्ती के आवेदक भी इस वेबसाइट पर आएंगे तो वेबसाइट फिर से धीमी हो सकती है, इसलिए इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट आगे खिसका दी गई है। जेल फेरी वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के 1979 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2023 देखी गई है। इसमें फिलहाल कोई आवेदन नहीं किया गया है। आवेदन में संशोधन 25 जनवरी से 8 फरवरी 2023 तक किए जा सकेंगे। परीक्षा 11 मई 2023 से शुरू होगी। शिवराज आज सिंगरौली को देंगे मेडिकल कॉलेज भवन की सौगात। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली को मेडिकल कॉलेज भवन की सौगात देंगे। सिंगरौली जिला ताप विद्युत केंद्रों और कोयला खनन परियोजनाओं के कारण प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला है। सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। घोषणा के मुताबिक सीएम शिवराज 22 जनवरी यानी कि आज सिंगरौली में शासकीय मेडिकल कॉलेज भवन का शिलान्यास करेंगे। मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण ग्राम नौगढ़ में किया जा रहा है। इसके लिए 25 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। भवन परिसर निर्माण के लिए 248.27 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज बन जाने से यहां उपचार की व्यवस्था बेहतर होगी। सिंगरौली नहीं पूरे विंध्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा होगा। जनजातीय बहुल्य अंचल के विद्यार्थी अपने घर के समीप रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों तथा अनुभवी प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। उनके मेडिकल ज्ञान और दक्षता का लाभ सिंगरौली जिले को मिलेगा।
रीवा संभाग के चार जिलों सिंगरौली, सिंधी, सतना और रीवा जिले के पौने 7 लाख किसानों के खातों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 134 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। सिंगरौली में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि अंतरित करने के अलावा 25,000 से अधिक हितग्राहियों को आवासीय भूखंड योजना के तहत भूखंड आवंटित किए जाएंगे। हर जिले में टॉप 10 स्टूडेंट्स को 50,000 रुपए और स्कूलों को 55 लाख मिलेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आज एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं में हर जिले में टॉप करने वाले 10-10 विद्यार्थियों को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और सबसे अच्छा रिजल्ट लाने वाले जिले के 10 स्कूलों को 55 लाख रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में जन सहयोग से बनी स्मार्ट क्लास का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज सीहोर जिले में नया इतिहास रचा जा रहा है। 1552 शालाओं में जन सहयोग से प्राप्त राशि से 1630 स्मार्ट टीवी दिए जा रहे हैं। गुरुजनों और समाज के सहयोग से 4,25,00,000 रुपए प्राप्त हुए हैं।